नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योति शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कुंडली में शनि और राहु की युति अगर किसी भाव में हो तो उसके क्या फल मिलते हैं ये विस्तार से बताता हूं। शनि और राहु दोनों अलगाववादी ग्रह हैं, यह श्रापित योग है, यह पितृ दोष भी है। पूर्व जन्मों के दोष पितृ दोष होता है। शनि राहु की युति का जातक पर नेगेटिव प्रभाव बहुत अधिक होता है। इसे प्रेत बाधा भी कहते हैं। जातक पर टोने टोटके का असर जल्दी होता है। जिस भाव में भी राहु और शनि की युति होती है उस भाव से संबंधित कारक तत्वों में अचानक बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि ये दोनों ही अलगाववादी ग्रह हैं। उस भाव से संबंधित कारक तत्वों का नाश हो जाता है। राहु छाया ग्रह है, धुएं के बादल जैसा है, ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं। राहु गैर परंपरावादी, गैर सामाजिक कार्य करता है और राहु में दो विशेष गुण होते हैं जो अन्य किसी ग्रह में नहीं होते हैं। पहला, जो भी फल देना है अचानक देता है, चाहे वो शुभ फल हो या अशुभ फल हो। दूसरा, विस्फोट करना। राहु बहुत तीव्रता से, बहुत तेजी के साथ शुभ या अशुभ फल देता है। राहु मलेच्छ है, राहु काला जादू, प्रेत बाधा, भय, फोबिया, कष्ट, कपट, पागलपन, बेहोशी, स्नायु तंत्र, पाखंड, नीच कार्य, विलासिता, शराब, जुआ, वैश्यवृत्ति, गंदी भाषा और विष का कारक ग्रह है। और शनि, शनि दुख का, निराशा का, भय, मृत्यु, गरीबी, पतन, अनादर, अनैतिक व्यवहार, पाप, अपवित्रता, आलस, निंदा करना, क्रूर कार्य करना, लोभ, लालच, नशा, अपमान, अधर्म, नपुंसक, संन्यास, शराब, कारखाने, बड़े बड़े उद्योग का भी कारक ग्रह है। शनि उस जातक को बहुत बुरा फल देते हैं जो मजदूरों का सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि लेबर शनि का कारक है। जो छोटे दर्जे के लोगों का सम्मान नहीं करता है, शनि उसे बहुत बुरा फल देते हैं। और राहु सदैव निर्भर रहता है शनि पर। लेकिन राहु शनि की युति में राहु शनि के फलों का नाश कर देता है। राहु डिजायर है, राहु की इच्छाएं अधिक होती हैं, इसे भूख भी बहुत लगती है। राहु मिस्टीरियस, रहस्यमय ग्रह है। राहु बहुत चालाक है। राहु गलत तरीके से धन कमाना चाहता है। राहु सांप का मुख है। राहु और शनि की युति में जातक अपने पूर्व जन्मों में धोखा देकर आया है, या मजदूरों को या लेबर क्लास को बहुत परेशान करके आया है। ऐसे जातक घर परिवार के लोग उसको मान सम्मान नहीं देते हैं, पैतृक संपत्ति भी नहीं मिलती है, और यदि मिल गई
तो कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है। ऐसे जातक के घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत अधिक होती है, घर में कलह कलेश लड़ाई झगड़े होते हैं। जातक को पिछले जन्म के कुछ सपने भी आते हैं जिससे जातक में नेगेटिव एनर्जी बहुत अधिक हो जाती है। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में शनि राहु की युति हो, लोगों से मिलना जुलना कम रखते हैं, दुश्मन बहुत अधिक होते हैं, जीवन में स्ट्रगल बहुत करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, सुसाइडल नेचर भी होती है, लाइफ में अनसक्सेसफुल रहते हैं। और यदि शनि राहु की युति मंगल से हो तो इनमें एग्रेशन बहुत अधिक हो जाता है, लड़ाई झगड़ों के कारण ये किसी की हत्या भी कर सकते हैं, एक्सीडेंट बहुत होते हैं इनके, बार बार बिजनेस या नौकरी में बदलाव आता है, मान सम्मान में कमी हो जाती है, व्यापार में या नौकरी में एक बार ऐसा समय जरूर आता है जब धन की बहुत कमी हो जाती है, गरीबी आ जाती है। इसलिए ध्यान रखें, शनि न्याय के देवता हैं, किसी से अन्याय ना करें, नहीं तो शनि राहु की युति बहुत अशुभ फल देती है, पैतृक संपत्ति जैसा मैंने आपको बताया नहीं मिलेगी, और यदि मिल गई तो उसका नाश हो जाता है, खर्चे बहुत अधिक होते हैं, सेविंग्स नील हो जाती है। और यदि किसी की कुंडली में शनि और राहु की युति हो तो वो अपने कर्मों को सुधार ले। यदि कुंडली में शनि राहु की युति हो और शनि राहु की महादशा और अंतरदशा हो तो अधिक बुरा होता है। यदि कोई शुभ ग्रह की दशा चल रही हो और उसमें महादशा स्वामी पर शनि और राहु की दृष्टि हो तो बहुत अशुभ प्रभाव पड़ता है, बहुत अशुभ फल मिलेंगे, मकान संबंधी परेशानियां होती हैं, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, व्यवसाय बंद हो जाते हैं, पिता पर लोन चढ़ जाते हैं, संतान के प्रेत योग से पिता के काम बंद हो जाते हैं। और यदि शनि राहु की युति दशम भाव में हो, 10th हाउस में, और कोई शुभ प्रभाव ना हो तो बहुत अधिक अशुभ प्रभाव मिलता है, जातक का व्यवसाय बंद हो जाता है, नौकरी छूट जाती है। यदि लगन में राहु और शनि की युति हो तो जातक को प्रेत बाधा होती है, डिसीजन पावर कम हो जाती है, नेगेटिव सोच हो जाती है, जातक बीमार रहता है, लगन से शनि और राहु की दृष्टि 7th हाउस पर विवाह के भाव पर होती है, या 7th हाउस में ही राहु और शनि दोनों की युति हो तो तलाक हो जाता है, क्योंकि शनि और राहु दो अलगाववादी ग्रह हैं। 2nd हाउस में धन भाव में अगर शनि और राहु की युति हो तो जातक को नशे करने का हैबिचुअल बना देता है, वो नशे का आदि हो जाता है, वाणी में कठोरता आ जाती है, जातक गाली गलौज भी बहुत करता है, और धन की कमी रहती है, बैंक बैलेंस नहीं होता है। अब 8th हाउस में शनि राहु की दृष्टि हो या 8th हाउस में राहु और शनि बैठे हो तो जातक की मौत बड़ी दर्दनाक होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई लंबी बीमारी हो जाती है। 9th हाउस में भाग्य भाव में यदि राहु और शनि की युति हो या 3rd हाउस में राहु शनि की युति हो तो जातक भाग्यहीन होता है, भाग्य में गरीबी दरिद्रता आ जाती है, भाई बहनों से संबंध खराब हो जाते हैं, लेकिन जातक का साहस पराक्रम बढ़ जाता है जिससे जातक जीवन में
अननेसेसरी रिस्क लेता है और जिसके कारण धनहानि भी होती है, भाग्य भी कमजोर रहता है। फिफ्थ हाउस में या इलेवंथ हाउस में शनि राहु की युति हो तो जातक की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है, बुद्धिमता में कमी आ जाती है, संतान से बहुत कष्ट मिलते हैं। लेकिन ग्यारहवें भाव में चाहे शनि राहु की युति हो या पांचवें भाव से दोनों की दृष्टि पड़ रही हो तो अचानक धन की प्राप्ति होती है, जातक धनवान होता है और अचानक ही धन लाभ हो जाता है। लेकिन अचानक कभी कभी धन हानि भी होती है और ऐसे धन का लाभ जिंदगी भर नहीं मिलता है। सिक्स्थ हाउस में शनि और राहु की युति शुभ फल देती है क्योंकि त्रिष्टाय भावों में पाप ग्रह शुभ फल देते हैं और यहां पे राहु और शनि दोनों अगर सिक्स्थ हाउस में बैठे हों तो जातक शत्रुहंता होता है, कंपटीशन में सक्सेसफुल रहता है लेकिन उसका पेट खराब रहता है जो डायग्नोज भी नहीं हो पाता। और ट्वेल्थ हाउस पर छठे भाव से राहु और शनि की दृष्टि हो या ट्वेल्थ हाउस में ही राहु और शनि बैठे हों तो जातक के खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन दोनों ग्रह राहु और शनि विदेश के कारक ग्रह हैं जिससे विदेशों से धन लाभ भी होता है, विदेशों की यात्राएं भी अधिक होती हैं। लेकिन विदेश में फॉरेन में कभी ऐसा भी समय आता है कि दोनों ग्रहों के कारण स्वास्थ्य हानि हो जाती है या विदेशों में किसी ना किसी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है क्योंकि बारहवां भाव जेल का भी है, हॉस्पिटल का भी है। कभी कभी जातक को बारहवें भाव में राहु और शनि विदेश में बहुत प्रॉब्लम दे देते हैं। फोर्थ हाउस में राहु शनि की युति माता का स्वास्थ्य खराब करेगी, पारिवारिक खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन टेंथ हाउस पर दृष्टि होने के कारण जातक की राजनीति में, पॉलिटिक्स में रुचि बढ़ जाती है। एट्थ हाउस में राहु और शनि की युति जातक को एक ऐसा रोग दे देती है जिसको डायग्नोज भी नहीं किया जा सकता। राहु और शनि की युति चंद्रमा से हो या चंद्रमा पर राहु शनि की दृष्टि हो तो जातक डिप्रेशन का रोगी हो जाता है, जातक को डिप्रेशन हो जाता है, जातक की सोच नेगेटिव हो जाती है, डिसीजन पावर कम हो जाती है और एक अनजाना सा भय, फोबिया कह सकते हैं उसे, अनजाना सा भय रहता है। उसे लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा है या मेरा कोई पीछा कर रहा है या मेरे कमरे में कोई है, मेरी खिड़की से कोई झांक रहा है। तो ये एक प्रकार का फोबिया भी हो जाता है, मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। शनि धीमा ग्रह है, शनि को मंदा भी बोलते हैं, मंद ग्रह। शनि में पेशेंस बहुत अधिक होती है और राहु अचानक फल देता है, विस्फोट करता है। राहु गैर परंपरावादी, गैर सामाजिक कार्य करता है। यदि शनि और राहु की युति हो तो इसको एक मंदा और एक अचानक फल देने वाला जिसके कारण से अशुभ माना जाता है। राहु शनि को खराब कर देता है। राहु शनि की युति मंगल से हो जाए तो लड़ाई झगड़े बहुत अधिक होते हैं, पुलिस के केस भी बन जाते हैं। यदि गुरु का प्रभाव राहु और शनि की युति पर हो तो अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि राहु और शनि हमेशा ही फल बुरा देते हैं। गुरु अगर साथ में बैठा है या गुरु की दृष्टि आ रही है तो उसके अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं।
हालांकि गुरु और राहु की युति को गुरु चंडाल योग भी कहा जाता है, लेकिन उसके अलग प्रभाव होते हैं। यदि कुंडली में राहु और शनि की युति हो तो राहु शनि दोनों के मंत्रों की एक माला जाप प्रतिदिन करें और लगन और लग्नेश को बलि करें। अगर आपका लगन लग्नेश बलि होगा तो राहु और शनि की युति का बुरा प्रभाव, अशुभ प्रभाव कम प्राप्त होगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।